फाइब्रोमाइ एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस होता है uh, उसमें um, आपको पूरे मांसपेशी में दर्द होता है इट्स इन इन वन सेंस इट इज अ नॉन स्पेसिफिक पेन ऑल ओवर द बॉडी डिस्टर्ब्स योर डेली रूटीन एक्टिविटीज सो दिस इज समथिंग लाइक यू फील पेन इन नेक यू फील पेन इन द बैक यू फील पेन इन द लेग यू फील पेन इन मल्टीपल ज्वाइंट्स But you are able to perform your daily routine activity with ease and it disturbs your sleep and it disturbs your uh, attention. So whenever such thing happens, we generally analyze the person, look for the nerve compression or spine region deformity. If every evaluation is normal and it is not in the particular territory of the nerve, then we level it after dying, after exclusion of other all possibilities, other uh, organic possibilities, we level it as fibromyalgia. the key point for fibromyalgia is multiple tender points. So there is uh, guidelines, as but that there is some points, uh, something like uh, neck on both side, uh, triceps uh, back on the both side, pelvic areas, if that was tender. and with with uh, lots of somatic complaints एंडेटिकोम uh, um, इसमें आपको ऐसा हमेशा फील होता रहेगा कि कहीं ये दर्द हो रहा है कहीं करने कं, पे दर्द हो रहा है कभी इधर दर दर्द हो रहा है कभी इधर दर दर्द हो रहा है मन कर रहा है जी कुछ काम करें मन कर रहा है कि काम नहीं कर पाएंगे इंटरेस्ट नहीं रहता लूज होता है चलने में दिक्कत होती है डेली रुपिंग में दिक्कत होती है एंड तब हम बोलते हैं कि हाँ ये पर उसको फा जब बोलने से पहले हैं सारे जांच कर लेने टेस्ट कर लेने पड़ते हैं ये देखने पड़ते हैं कि हाँ आ, कोई नर्व कंप्रेशन छूट न जाए जब सारे डायग्नोसिस एक्सक्लूड हो जाता है तब तो हम बोलते हैं कि हाँ जहां पेशेंट यंग पर्सन मोस्टली फीमेल एंड uh, जहाँ पे थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल इश्यूज uh, uh, दिखते हैं जहाँ पे नींद में डिस्टर्बेंस होती है और दर्द कई दर्द चेंज होता रहता है पता चलता है, आज इधर है फिर कल उधर है फिर दूसरे चेंज करना आता है उस सिचुएशन पे हम फाइव मिल जाए ज्यादा पहला तो एक बार हिस्ट्री सुनते हैं जब वो अपना हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बता देते हैं तो हम इसको ये देखते हैं कि कहीं स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड या कुछ नर्व डैमेज से रिलेटेड है कि नहीं जब वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम एक्सक्लूड कर लेते हैं तो कुछ टेस्ट कराते हैं और वो टेस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं और रिस्पॉन्स एक थोड़ा सा एटिपिकल होता है इसमें की पॉइंट्स क्या होता है कि दोनों साइड शरीर का हर साइड में दर्द होता है हर लोकेशन में दर्द होता है दूसरा जो so ये जो ये दर्द तो चेंज होता रहता है कभी यहाँ कभी वहाँ कभी, कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है कभी फिर आ जाता है स्लीप मोस्ट ऑफ टाइम डिस्टर्ब रहती है मेरे हिसाब पर नींद नहीं आती उस पर्सन को चौथा मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन नॉवल होता है पाँचवा दवा खाने से रिस्पॉन्स आ जाता है दवा बंद करने से ठीक हो फिर वैसे ही वापस हो जाता है तो ये सारा हिस्ट्री और लंबी हिस्ट्री मोर देन सिक्स मंथ्स हिस्ट्री फाइव मेल जैसे सबसे पहले ये बिलीव करना कि आपको कुछ नहीं है। ये जो दर्द है दर्द को ओवर लुक करने की थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डअप करना दूसरा यह अपने आप को मन को मनाना कि नहीं आपका शरीर बिल्कुल ठीक है ना आपको संतुष्टि बनाना कि आप संतुष्ट रहना सीखना आप जो भी आपके आस पास है आपको अपनी चिंताओं को कम करना अपने एक्सपेक्टेश को कम करना इससे ग्रेचुअली आपको लगेगा कि नहीं आपका शरीर जब आप मानने लगेंगे एक साल कि नहीं आपके शरीर का दर्द किसी खतरनाक बीमारी का लक्षण नहीं दें कोई को नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि मांस में कोई आर्थराइटिस फीचर्स ऐसा भी नहीं है कोई टाइप की बीमारी नहीं है तब आपको जब आप, आप इसको इसको भरोसा करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे इस बीमारी से निश्चिंत रहे, निकलते रहेगा जैसे दर्द है जैसे आपको दर्द है तो मैंने हमने कुछ मेडिसिन दी मेडिसिन देने के बाद उसका कुछ रिस्पॉन्स है रिस्पांस के साथ एंजाइटी भी होती है एंगजाइटी को कंट्रोल करने के लिए योगा और मेडिटेशन यदि वो करते हैं तो उस योगा से अपने केमिकल इम्बेलेंस को अपने ब्रेन के और शरीर के जो ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके दर्द की क्षमता को या दर्द के महसूस करने की स्थिति को बढ़ा देते हैं उससे आपको इम्प्रूवमेंट आ है तो द केमिकल इम्बेलेंस आपको मेडिटेशन आपका योगा आपके शरीर की मांसपेशी को तो ठीक ठीक इम्प्रूव करता ही है साथ में साथ केमिकल इम्बैलेंस को भी कंट्रोल फायर ओवर में मैक्सिमम टाइम डिप्रेसिव फेज ज्यादा होता है इसके साथ डिप्रेशन एंगजाइटी ये सब और साथ में चलता है तो उस केस में ऐसे लोग कई बार इंपल्सिव हो जाते हैं या उनके बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके एंगर और फाइट करने के चांसेस हो बढ़ जाते हैं तो देयर इज ए मतलब मोर ऑफ ए इंटरपर्सनल डिस्टर्बेंस है तो दो पर्सन प्रतिनिधि अपनी कलीग के साथ हैं या घर में हैं तो उनकी आ, एंगर फ्रस्ट्रेशन उसके से रिलेटेड कुछ बहुत होता है अदरवाइज इससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसमें एक्चुअली जो मेन कंसर्न होता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मिसमैच मिस आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा है पर रियलिटी उतनी अच्छी उतनी सपोर्ट आपको कर नहीं है तो आपकी उम्मीद और रियलिटी के बीच में जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना आपको स्ट्रेस होगा उतना इस जितना स्ट्रेस होगा उससे आपको नींद डिस्टर्ब होगी जितनी नींद डिस्टर्ब होगी उससे आपका केमिकल इम्बेलेंस बढ़ेगा केमिकल इम्बेलेंस बढ़ेगा तो आपको दर्द दर्द चक्कर पूरे शरीर में दर्द पूरे शरीर में झंझनाटी ये सब आने लगेंगे